भाई स्वागत है आपका एक बार फिर से नए वीडियो में। तो भाई आप भी आ रहे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। तो भाई अभी मैं आपको जानकारी दे दूं कि भाई यहाँ पे जो है यात्रा बंद कर दी गई है। अभी 3-4 दिन तो यात्रा नहीं होगी, आज है 5 तारीख, तो भाई 8 तारीख तक यात्रा बंद कर दी गई है। और भाई यहाँ पे देख लो भाई कितना भयंकर वाला इसमें फॉलो हो रहा है। मैं अभी बाबा केदारनाथ के मंदिर के पीछे हूँ, ये देख लो, ये पीछे मेरे बाबा केदारनाथ का मंदिर है। और भाई देख लो कितनी भयंकर वाली बर्फ़ गिर रही है यहाँ पे। भाई यहाँ पे ना रूम वगैरह इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं कि भाई 10-12 या 15 हज़ार से नीचे बात ही नहीं हो रही है। और टेंट वगैरह भी 2,000-2,500 जैसा जो फंस जाए। भाई मैं आपको बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ भाई कितनी ज़्यादा भयंकर वाली बर्फ़ गिर रही है यहाँ पे। भाई पूरा फर्श बर्फ़ से ढका हुआ है और भाई चारों तरफ आपको बर्फ ही बर्फ़ देखने के लिए मिल जाएगी। ये देख लो भाई चारों तरफ बर्फ ही बर्फ़ है और भयंकर वाली स्नोफॉल भी हो भी रही है। ये देखो भाई ऊपर पहाड़ भी बर्फ़ से ढके हुए हैं और अभी भी बर्फ़ यहाँ पे गिर रही है बहुत भयंकर वाली। ये देख लो भाई ये पैर ना काम नहीं कर रहे हैं और भाई पूरा फर्श ना बर्फ़ से ढका हुआ है। आपके जिधर भी आप देखोगे ना चारों तरफ आपको बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएगी। ये देख लो भाई ये है बाबा केदारनाथ के मंदिर का नज़ारा और यहाँ पे इस समय पड़ रही है भयंकर वाली बर्फ़। ये देख लो भाई कितनी भयंकर स्नो गिर रही है यहाँ पे। तो भाई अगर आप भी आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए तो भाई अभी 8 तारीख के आप बाद ही आना, क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और भाई सारा फर्श तक ज़मीन का भाई आप जहाँ भी देखोगे ना आपको चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएगी और जो फर्श वगैरह है ज़मीन का वो भी सब बर्फ़ से ही पूरा ढका हुआ है। तो देख लो भाई भयंकर वाली बर्फ़ गिर रही है बाबा केदारनाथ के दरबार में। भाई देख लो पब्लिक को आने नहीं दिया जा रहा फिर भी यहाँ पे इतनी भयंकर वाली भीड़ है और यहाँ पे भाई ठंड बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर जो है वो माइनस में चल रहा है। ये देखो भाई चारों तरफ आपको सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखने के लिए मिल जाएगी और लोग भी भाई जब यात्रा बंद है तब देख लो यहाँ पे भाई कितने सारे लोग आए हुए हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। भाई बर्फ़ पड़ रही है फिर भी लोग आराम से देखो भाई दर्शन कर रहे हैं, फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ का कोई असर ही नहीं हो रहा लोगों पर। तो ये है भाई बाबा के लिए लोगों की श्रद्धा, इसीलिए लोग आराम से यहाँ पे खड़े हो रहे हैं और देख लो भाई कितने आराम से लोग फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर है ना वो माइनस में चल रहा है यहाँ पे। ये देख लो भाई ये है बाबा केदारनाथ का मंदिर और ये देख लो भाई कितनी भयंकर वाली बर्फ़ गिर रही है यहाँ पे, चारों तरफ आपको बर्फ ही बर्फ़ देखने के लिए मिलेगी। ये देख लो भाई सारा फर्श जो है ना वो बर्फ़ से ढका पड़ा है, ऊपर देख लो भाई पहाड़ वगैरह कैसे दिख रहे हैं सारे बर्फ़ से ढके पड़े हैं। ये देखो भाई चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, कुछ इस तरीके से आपको केदारनाथ में देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी यात्रा को बंद कर दिया गया है और करीबन 8 या 10 तारीख के बाद में यात्रा को फिर से शुरू कर दिया जाएगा क्योंकि भाई अभी यहाँ पर बहुत ही भयंकर स्नोफॉल हो रहा है। और ये देखो भाई हम लोगों के टेंट के पास में किस तरीके से बर्फ़ गिरी है, ये देखो भाई टेंट पे भाई बहुत सारी बर्फ़ गिरी हुई है और ये देखो भाई यहाँ पे ना टेंट टूट भी गए हैं। ये देखो एक टेंट ये टूटा पड़ा है और एक टेंट उसके आगे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, दो टेंट यहाँ पर टूट भी गए हैं। ये जो है ये लोकल कंपनी के टेंट हैं तो टूट गए हैं भाई, जो ओरिजिनल कंपनी के होते हैं जैसे डिकैथलॉन कंपनी आती है उसके टेंट वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पर भाई कोई भी टेंट नहीं टूटे हैं, सारे टेंट आपको बढ़िया देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन भाई जो लोकल कंपनी के टेंट थे वो भाई बर्फ़ के लोड के वजह से सब सारे टूट चुके हैं यहाँ पे। तो देख लो भाई कितनी भयंकर वाली बर्फ़ गिर रही है यहाँ पे। देखो भाई चारों तरफ सिर्फ आपको बर्फ़ ही बर्फ़ देखने के लिए मिलेगी, जिधर भी आपकी नज़र जाएगी ना भाई चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ देखने के लिए मिलेगी आपको। ये देख लो भाई कितनी भयंकर वाली बर्फ़ गिर रही है यहाँ पे। ये देखो भाई एक टेंट ये टूटा पड़ा है साइड में, देखो भाई एक टेंट इधर भी टूटा हुआ है और भाई बर्फ़ की ना बहुत ही मोटी वाली चादर आप बन गई है। ये देखो भाई कितना भयंकर बर्फ़ पड़ी है। ये देखो भाई पैर हाथ काम नहीं कर रहे हैं।
भाई अगर आपके भी दिमाग में भी यहाँ केदारनाथ आने का विचार है तो भाई दिमाग से निकाल देना भाई, 10 तारीख के बाद ही यहाँ पे आना। अगर 10 तारीख से पहले आ गए ना भाई तो भाई मैं अपनी गारंटी नहीं है, बाद में मत कहना वीडियो नहीं देखा, अभी मैं पहले बता रहा हूँ भाई 10 तारीख से पहले मत आना, वरना भाई ऐसी हालत खराब होगी ना आने और जाने में कि भाई आप याद रखेंगे इस यात्रा को। तो भाई अभी 10 तारीख तक के लिए यात्रा को बंद कर दिया गया है। और भाई अभी मैं अपनी कैंपिंग टेंट में बैठा हूँ भाई, अपनी कैंपिंग टेंट में भी भाई बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ भाई, अभी बाहर भी बहुत ज़्यादा स्नो पड़ रही है, आपको मैं बैक कैमरे से यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देख लो भाई, ये अभी भी भयंकर वाली स्नो पड़ रही है, करीबन आज रात से स्नो पड़ रही है। और भाई एक घंटे के लिए खाली यहाँ पे स्नो पड़ना बंद हुई थी और भाई फिर कंटिन्यू यहाँ पे स्नो पड़ना शुरू हो गई है। अभी भी बाहर का कुछ इस तरीके का नजारा है, चारों तरफ आपको स्नो ही देखने के लिए मिल जाएगी। और भाई ठंड में ना हाथ पर काम नहीं कर रहे हैं, तो भाई अभी आप भी आने सोच रहे हैं तो भाई 2-4 दिन के बाद 10 तारीख के बाद ही आना आप यहाँ पे।